जो अभी तक हमने पढ़ा है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में और उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में, मैक्सिमम हाइट के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल एंड ट्रैजेक्टरी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। कि किसी भी इंस्टेंट के ऊपर अगर मुझे उस पार्टिकल की पोजिशन को बताना है तो हम किस तरह से उसकी पोजिशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर उसकी ट्रैजेक्टरी को बताना है तो उसकी ट्रैजेक्टरी किस तरह की होगी प्रोजेक्टाइल मोशन के ड्यूरिंग, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहां पे हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका है सेम वैसे ही अल्फा एंगल के ऊपर, ठीक है। इस साइड वेलोसिटी कंपोनेंट यू कॉस अल्फा, ये वाला हमारा बाई डायरेक्शन में यू साइन अल्फा, ग्रेविटी ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, ठीक है। अब किसी इंस्टेंट टी के ऊपर, कोई इंस्टेंट आया टी, ठीक है, जिसके ऊपर पार्टिकल कहां पे है, जो पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है हमें वो क्या दे रखी है, एक्स वाई दे रखी है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी, तो टी टाइम के ऊपर पार्टिकल की पोजीशन एक्स और वाई में कितनी होगी, देखो एक्स में क्या होगी, एक्स में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो सिंपली क्या होगी, यू कॉस अल्फा इंटू टी, जितने टाइम के लिए वो चला वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट। बायो कोऑर्डिनेट में क्या होगी, बायो में देखो एक्सेलरेशन है तो हमने रिलेशन यूज करा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना है यू साइन अल्फा, टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दो इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हमने लिखनी है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, तो ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे, टी को एलिमिनेट कर देंगे, टी को एलिमिनेट कर देंगे तो वाई किसका फंक्शन आ जाएगा, एक्स का फंक्शन आ जाएगा, क्लियर है, और हमें दोनों के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा। तो देखो अब फ्रॉम इक्वेशन वन, टी इज इक्वल टू एक्स वाई यू कॉस अल्फा, फर्स्ट इक्वेशन से टाइम की वैल्यू निकाल ली तो क्या गया, एक्स अपॉन यू कॉस अल्फा। फ्रॉम इक्वेशन टू, जब सेकंड इक्वेशन में हमने इस टी की वैल्यू को पुट कर दिया तो क्या बन गया, यू साइन अल्फा टी की जगह पे एक्स अपॉन यू कॉस अल्फा माइनस हाफ जी टी की जगह पे एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब ये क्या बन गया, यू से यू कैंसिल आउट हो गया, साइन वाई कॉस क्या हो गया, टेन अल्फा हो गया, एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, क्लियर है। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, यहां पे हम क्या करेंगे, बाय की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स की टर्म में डायरेक्ट निकाल के, ठीक है। अगर हमें अल्फा पता हो और एक्स कोऑर्डिनेट पता हो तो हम बाय की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं ये कितनी होगी, ठीक है, बाय पोजीशन कहां पे होगी उसकी। इसके बाद इसको और मोड सिंप्लीफाई करते हैं जिसका रिलेशन हमें और यूज होना है, तो वाई इज इक्वल टू, हमने क्या करा, अब यहां से एक्स टेन अल्फा बाहर निकाल लिया, एक्स टेन अल्फा कॉमन निकाला था यहां वन माइनस, यहां से एक्स बाहर, टेन अल्फा, टेन अल्फा की जगह मैंने यहां पे क्या लिख दिया, कॉस बाई साइन, ठीक है, कॉस बाई साइन लिखूंगा। अब देखो जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस बाई साइन क्या बनेगा, इनवर्स ऑफ अल्फा, इनवर्स ऑफ टेन अल्फा, तो यहां पे क्या बनेगा इसकी जगह वन बाई टेन अल्फा, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, टेन एक्स टेन अल्फा हमने कॉमन ले लिया दोनों में से। अब इसके बाद क्या बनाइए, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा वन माइनस जी एक्स, इस कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल, क्या बचा, टू यू स्क्वेयर कॉस अल्फा साइन अल्फा। यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो हमने रेंज का फॉर्मूला पढ़ा था क्या, टू यू स्क्वेयर कॉस अल्फा साइन अल्फा वाई जी, बाद में हमने इसको साइन टू अल्फा लिख दिया था, ठीक है। तो इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, रेंज, तो ये क्या बन गया, वन बाई आर, तो वाई किसके इक्वल आ गया, एक्स टेन अल्फा वन माइनस एक्स वाई आर, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो हमें यूज होना है आगे, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है दोनों, ठीक है। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन, अब हमें बताना है कि जो उसने पाथ फॉलो करा वो किस तरह का होगा। तो इस इक्वेशन में मैंने जो टेन अल्फा था उसको कितना मान लिया, पी, और वन बाई टू जी यू स्क्वायर, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा यहां पे, तो इसको मैंने क्या मान लिया, क्यू मान लिया। तो क्वेश्चन क्या बन गई, y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, ये बन गई y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है वो वेरी कर रहा है फंक्शन y का। तो y इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, y क्या है, x का क्वाड्रेटिक फंक्शन दिख रहा है हमें। सो ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोला, ठीक है, और जो पाथ फॉलो करेगा प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन दैट इज पैराबोलिक, क्लियर है। तो जो ये पाथ इसने फॉलो करा है दैट इज पैराबोलिक पाथ, ठीक है, और इसकी जो ट्रैजेक्टरी है वो कैसी है, पैराबोला है,
क्लियर हुआ पैराबोला के इधर कैसे है वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। जो ये वाली क्वेश्चन है हमें वो बता रही है कि क्वेश्चन किस तरह से है पैराबोलिक है।